खबर उन्नाव से, जहां पर इस समय गंगा एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर रात दिन चल रहा है। नवतपा में सूर्य भगवान भी अपना प्रकोप लगातार बरपा रहे हैं। वहीं भीषण तपती धूप में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते कई किसानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें किसान की हालत ज्यादा खराब होते ही किसान साथियों से निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को लेकर सफीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मत्तूखेड़ा रहीमाबाद में काफी समय से जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की बात न सुनी जाने के चलते लगभग एक सैकड़ा ग्रामीण गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, वहीं टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक जिला प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक धरने से नहीं हटने वाले, ना ही किसी गाड़ी को यहां से निकलने दिया जाएगा। जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया, लेकिन आज तक लोगों की समस्या का कोई समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर अब ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से गंगा एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों की लगभग 200 बीघा कृषि युक्त भूमि दक्षिण दिशा में हो गई है। यहां पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, रास्ता न होने से भूमि की दुर्दशा होती जा रही है। इसी को लेकर हम सभी ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि अगर एक छोटी पुलिया और खेतों पर जाने के लिए पक्का नहीं तो कच्चा ही रास्ता हो जाए, जिससे खेती किसानी की जा सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही समस्या का समाधान किया गया। रास्ता न होने की वजह से ग्रामीण अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में ग्रामीणों को जीवन अंधकार में नजर आ रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धरने पर किसान बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी विपिन शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने किसानों का हालचाल जाना है इस भीषण गर्मी में। आइए देखते हैं वहाँ पर किसानों का क्या कुछ कहना था। ये गंगा एक्सप्रेस वे पे आप लोग धरना दिए, क्या है पूरा मामला? हमारी जमीन जो है बुजुर्गों से हम लोग करते चले आए, हमारे गाँव से एक कच्चा मार्ग खेतों के पास गया था, फिर ब्लॉक द्वारा वो रोड कच्चा ही बनाया गया दो बार, और उसी से हम लोग गुजर रहे थे। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर, भूसा घासा, इंजन, खाना पीना, औरतें लड़की और सभी लोग जाते थे। आज गंगा एक्सप्रेस से वो रास्ता हमारी रोकी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारी जो ज़मीन बची, एक बीघा ज़मीन हमारे पास है और थोड़ी ज़मीन हमें चली गई थी एक बीघा लमसम हाईवे में, अब हमारे पास कल एक बीघा ज़मीन बची है। रास्ता ना होने के कारण हमारी ज़मीन जोतने के लिए दिक्कत हो जाएगी, और दूसरे पार्टी से छोटे मतलब दिक्कत चलती है जो अगल बगल खेत हैं, तो इसलिए हमें रास्ता दी जाए, चाहे कच्चा या पक्का किसी तरीके से रास्ता दी जाए। हमें धरना इसलिए दिए हैं कि हमारे खेत के लिए रास्ता कोई नहीं है, सारी रास्ताएं बंद कर दी गई हैं, और अगर रास्ता नहीं मिली तो हम ज़मीन कैसे करेंगे, ट्रैक्टर कैसे ले जाएंगे, या खाना हमारा कैसे आएगा, और इसलिए हम धरना दिए। कारण है कि हमारे गाँव से कच्चा संपर्क मार्ग हमारे खेतों के लिए बना था, और उसके बाद में ये गंगा एक्सप्रेस बनने लगा, और बनने के बाद में यहाँ पर ना कोई मतलब है हमको ट्रैक्टर निकलने के लिए, या तो पुल बनाए, छोटा सा पुलिया बना के दें जिससे हमारा ट्रैक्टर और मेरी खाद, मेरे जानवर और हर चीज़ मतलब है आ जा सके, ना ये कर सके तो हमारे मतलब दक्षिण की ओर मतलब ना, तो उसके लिए रास्ता का निर्णय करें और उधर रोड बनवाएँ या कुछ बनवाएँ। और लगभग कितनी भूमि है जो आप लोगों को प्रभावित कर रही है? 200 बीघा जमीन है हमारे लोगों की, और इसमें जो है इस तरफ उस तरफ से कोई भी एक दूसरा खेत ट्रैक्टर निकालने नहीं देगा।